कुछ यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द सेल। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन और दे दूँ सेलों के बारे में, कुछ जो मूलभूत जो उनकी जानकारी है उसके बारे में, सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है, सेल्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर सो कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। सेल बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसलिए इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम जैसे चाहें कि जैसे मिट्टी के कणों को देख लेते हैं, हमारे घर में और भी सारी चीजें होती हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि चीनी के टुकड़े हैं बा, और आपका जो घर में बूरा खाते हो उसके टुकड़े देख लेते हैं, और कई सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी इनको हम देख लेते हैं। पर दरअसल सेल इतने ज्यादा छोटी होती है कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। तभी तो होता है कि हमारी जो स्किन होती है, खाल होती है, उसमें सेल जो होती है वो हम अपने आप नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो इतना ज्यादा छोटी होती है सेल सेल इतना ज्यादा छोटी होती है कि उसको हम नहीं देख सकते खुली आंखों से। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो छोटी है। दिमाग में रखना। आगे, द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, हैज बीन अ इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर द अंडरस्टैंडिंग द सेल। तो माइक्रोस्कोप का जो विकास हुआ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। हो सकता है मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, हैज बीन अ इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अवर द अंडरस्टैंडिंग द सेल। इस पॉइंट को लिखना मत, मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दरअसल क्या है कि अगर माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं करते रॉबर्ट हुक, तो आज हमें सेलों के बारे में जानकारी नहीं होती। अगर सेलों के बारे में हमें जानकारी है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का विकास किया था। इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इन विच द लाइफ कैन एग्जिस्ट। ये पहली ऐसी स्ट्रक्चर है, सेल ही वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जीवन एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब जीवन हो सकता है। अब जैसे आप मान लो कि मिट्टी कण में जीवन नहीं हो सकता, किसी एटम में जीवन नहीं हो सकता, तो सबसे छोटी इस दुनिया में अगर कोई इकाई है जिसके अंदर अगर जीवन हो सकता है तो वो सेल ही है। क्योंकि सेल ही की इस तरह से स्ट्रक्चर है, सेल की ही इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई है कि जिसके अंदर जीवन हो सकता है और किसी अन्य चीजों के अंदर जीवन नहीं हो सकता। अच्छा, फिर अब बात करें, तुम कहोगे जैसे कि जानवरों के अंदर जीवन है, मनुष्य के अंदर जीवन है, तो उसकी वजह क्या है? ये सब भी सेल से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए इनके अंदर भी जीवन है। अगली बात, इट इज, ये बता दिया, अब यहां पे चलेगा सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं सेल के बारे में कुछ और भी चीजें। अब हम ऐसे स्टडी करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के तौर पर। तो सबसे पहले अगर इस तरह से अगर हम स्टडी करें तो सेल इज द लैटिन वर्ड, सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि लैटिन जो लैंग्वेज है उससे आया है, विच मीन्स अ लिटिल रूम, जिसका असली मतलब होता है छोटा कमरा, इसीलिए इसे हमने कह दिया है सेल। ठीक है, अगला, तो सेल का मुख्य मतलब समझ में आया। सेल का मुख्य मतलब होता है छोटे कमरे से, मतलब बहुत ही छोटा सा एक प्रकोष्ठ जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, बहुत ही छोटा सा कोई बलबूला टाइप का खाली जगह वाला जिसके अंदर और सारी भी चीजें हों और जो आंखों से नहीं देख सकते, उसको उन्होंने नाम दे दिया छोटा रूम। तो इसी तरीके से इसका नाम पड़ गया सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल या सेल्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है सेल लिखा और एक लिखा है सेल्स, ये सेल लिखा है उनके लिए जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। जो यहाँ पर सेल्स वर्ड लिखा हुआ है वो उनके लिए लिखा हुआ है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है। अगला आता है एज होम मेड अप ऑफ द ब्रिक, हम जानते हैं जैसे कि हमारा घर मिट्टी से बना हुआ है, उसी तरीके से एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल, एक जीवित प्राणी सेल से मिलकर के बना होता है। तो ये तो थी सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अभी हमें और भी आगे पढ़ना है तो हम और भी ज्यादा इसी सीरीज में एक्सप्लोर करेंगे।